चल लगा ना मेरे को भी। हो गया मैम लुक हियर मैम मैम लुक हियर उधर कर मैम लोग यार हैं इस प्रोग्राम के दूसरे चरण में। और यहाँ मैत्रेयी फाउंडेशन, जिसे शुरू किया था आज से 10 साल पहले सीमा कपूर की माँ, जो खुद एक बहुत अच्छी पोएट और बहुत अच्छी साहित्यकार रही हैं और जिन्हें आपने इस फिल्म में भी देखा होगा, और शबनम कपूर जी, उन्होंने ये संस्था शुरू की थी इस उद्देश्य से कि जितनी भी इस दुनिया में वैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें हम अपने तय आज हम सुरक्षित हैं, हमारी रेलवे सुरक्षित है, जाएगी
रूमी जी को मैं बुलाना चाहूंगी, उनसे आग्रह करूंगी कि वो, मैं रिक्वेस्ट करूंगी। ओके सबसे पहले हम बोनी कपूर जी से अनुरोध करेंगे कि जो हमारी रेलवे स्ट्रेंथ आपने अभी देखी और जिसके बारे में बताया सीमा जी ने, कि उन्हें यहाँ आपके द्वारा और जानवी नहीं ओके ठीक है के द्वारा मिसेस पार्वती बाई को, मिसेस पार्वती बाई हाउसकीपिंग, तालियां तो बजाई दीजिए भाई। पार्वती बाई हाउसकीपिंग, देखिए आप सब कोई ना कोई, सब कोई रेलवे से जाते होंगे, माटुंगा स्टेशन पड़ता है, चाहे सेंट्रल हो चाहे वेस्टर्न हो, और वहाँ साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी इनकी है, पार्वती बाई की। और मैं बोनी कपूर जी से अनुरोध करूंगी कि वे पार्वती जी को सम्मानित करें। पार्वती जी घर आए, आप सब लोगों की तालियां तो बजनी चाहिए, फिल्म में जितनी तालियां बजती ये सब हमारी जीती जागती आर्टिस्ट हैं। मिस जी सर मिस किरण जे, लेडी कांस्टेबल, और रेलवे की सुरक्षा का सारा भार और माटुंगा की सुरक्षा का भार इन जैसे कांस्टेबल्स और इन जैसे आरपीएफ की जवान की जिम्मे रहता है। मिस किरण जे, लेडी कांस्टेबल, सेंट्रल रेलवे, माटुंगा। और मैं भारती ताई से अनुरोध करूंगी कि वो इन्हें सम्मानित करें। एनवायरमेंट के साथ सुरक्षा, स्वच्छता, चीफ बुकिंग सुपरवाइजर, आपकी जितनी भी बुकिंग होती है रेलवे में, पांचोरी के चर्च गेट तक जाना है या जहां भी जाना है, या वीटी जाना है या जहां भी जाना है, ये जितने भी टिकट्स कटते हैं उन सबको सुपरवाइज करती हैं। मैं बोनी कपूर साहब से अनुरोध करूंगी कि उन्हें सम्मानित करें। मैं सुमा डोंगरी, चीफ बुकिंग सुपरवाइजर, ये सब जैसा पहले आपको बताया जा चुका है कि ये माटुंगा सेंट्रल रेलवे स्टेशन इज मैन बाय और वुमेन बाय ओनली आवर वुमेन एम्प्लॉयज और वुमेन पार। नेक्स्ट मिस अस्मिता मान, मैं रूही जी से अनुरोध कर, दिव्या जी को बुलाऊं। दिव्या दत्ता जी कहाँ है? मिस अस्मिता मांजरेकर, चीफ टिकट इंस्पेक्टर, माटुंगा सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मिस सीमा शंकर सांटी, मीना शंकर सांटी, और मैं रूमी जी से अनुरोध करूंगी कि वे उन्हें सम्मानित करें। सेंट्रल रेलवे के इतिहास में एक तहलका मचा था आज, और सुरेखा यादव ने, इन्हें मैंने अपने यहाँ भी बुलाया था, और उस समय इन्होंने बहुत प्राउडली कहा था कि आई एम अ डॉटर ऑफ अ फार्मर, और जो जमीन से जुड़ा हुआ हो वो जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। और मैं बोनी कपूर जी से अनुरोध करूंगी कि मैं सुरेखा यादव जो फर्स्ट लेडी मोटरमैन है सेंट्रल रेलवे की, उन्हें सम्मानित करें। आई सुरेखा, और आपको मैं बता दूं, आज शायद इन्हें नहीं सुन पाएंगे, ये बहुत अच्छा बोलती हैं, और ये अच्छा बोलती हैं, दिल से बोलती हैं।
Our next recipient is Miss Mumtaz Qazi. ये मोटर वुमन है. The first lady diesel locomotive driver in Asia. And I have worked on diesel as well as electrical locomotive. I am from the combined cadre. Now I am driving electrical suburban train in Central Railway. Every day my train is Thane train, sometimes Panvel train, sometimes I have come to CST to Goregaon train also. फिर तो हम भी आपसे जरूर मिलेंगे किसी न किसी दिन गोरेगांव की ट्रेन में. और मैं भारतीय दाई से अनुरोध करूंगी कि हमारी ऐसी नायाब हस्ती मुमताज काजी को यहाँ फेलिसिटेट करें. पार वुमन शायद ऐसे ही लोगों को कहते हैं. और हमारी नेक्स्ट रेसिपिएंट मिस रेखा मिश्रा हैं, लेकिन वो यहाँ आज आई नहीं है. और उनके बिहाफ पे मैं अनुरोध करूँगी हमारे सेंट्रल रेलवे के पीआरओ मिस्टर जीएस आयर से कि वे आएं और मिस रेखा के बिहाफ पर इस अवार्ड को. पहले आप अवार्ड ले लें फिर आप बोले. आप ये मुझे दे दें. डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है. आज मेरा मन कर रहा है कहने के लिए आई एम अ ब्रदर टू फोर सिस्टर्स, अंकल टू थ्री नीसेस एंड डैड टू वन डॉटर. इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं एक वुमेन को दिया हुआ अवार्ड उनके बिहाफ में आज मैं रेलवे की ओर से रिसीव कर रहा हूँ. I'm so proud of it. Thank you, Seema ji. Thank you so much. Seema ji से अनुरोध करूंगी कि वे भारती जी हैं. भारती जी से मैं अनुरोध करूंगी कि भारती जी सेंट्रल रेलवे को फेलिसिटेट करें. और मैं फिर से अय्यर साहब से अनुरोध करूंगी, बल्कि पूरी टीम से अनुरोध करूंगी कि पूरी टीम यहाँ झटपट आ जाएं. और इस ये आपके आपका स्टेशन है, आपका सम्मान है. तेरा तुझको सौंपत क्या लागे हैं मोए. गाड़ी चुक 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 चुक. और आप सब लोगों की तालियां होती रहनी चाहिए. देखिए बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन को एक प्रशस्ति पत्र. मैंने वो बोला कि रेलवे स्टेशन को हम सम्मानित कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन के लिए हमारा मैत्रेयी की तरफ से छोटा सा योगदान 31,000 रुपीस का है जो रेलवे स्टेशन को मैत्रेयी फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है ताकि देश में स्वच्छता का नारा है हम सब एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और अब मैं जिनके बारे में जिनको मैं बुलाना चाह रही हूँ वो अगर हम कहें कि बाय प्रोफेशन या बाय पैशन शी इज एमएलए. और सिर्फ एमएलए नहीं है वो, शी इज अ लेडी विद डायनेमिक विजन एंड कंटिन्यूसली शी हैज बीन वर्किंग फॉर वेरियस कॉजेज और स्पेशली फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फोक. शी इज द फर्स्ट लेडी एमएलए हु हैज रिसीव्ड an award none other than from our His Excellency the first citizen of this country the President of India Shri Ramnath Kovind. Kis liye? Kyunki aapne film mein to Padman dekh li hongi lekin ghar ghar aur har bachchi tak rahi hain aur apne aap ko swachh aur sehatmand bana rahi hain. Miss Bharti Lavekar MLA. और मैं बोनी साहब से अनुरोध करूंगी कि आज आप उन्हें सम्मानित करें. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब हम इसके आखिरी चरण में है और मैं इसके लिए मैं सीमा जी से अनुरोध करूंगी कि वे दो शब्द बोलें, वोट ऑफ थैंक्स दें. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. मैत्रेयी के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि ये मौका है. माँ जो मेरी थी वो
चहुमुखी प्रतिभा की धनी थी और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया है। पढ़ाती ही नहीं थी, वो एक आदर्श अध्यापिका थी और कई बच्चों को उन्होंने अपनी तनख्वाह में से, जो छोटी टीचर की जितनी तनख्वाह होती है उसमें से कई कई सालों तक उनकी फीस भरी है, उनके कपड़े दिलाए हैं, ये सब किया है। मैत्रेयी के, मैत्रेयी एक ऐसा शब्द है जो बुद्ध ने कहा था कि जब मैं कलयुग में आऊँगा तो मैं मैत्रेयी नाम से आऊँगा। तो एक तो इसका ये है, मैत्रेयी एक बहुत विदुषी महिला हुई हैं वैदिक काल की। और तीसरा, लॉर्ड टेनिसन ने अपनी पोइट्री में कहा था कि एक अगर पत्ता घास का टूटता है तो पूरा यूनिवर्स हिल जाता है। तो हम सब को पता नहीं है कि हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो हम हो सकता है एक दूसरे के दुश्मन लग रहे हों, एक दूसरे के एनिमी लग रहे हों, एक दूसरे के अगेंस्ट लग रहे हों, लेकिन हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और इस युग में सबसे जो जुड़ाव है वो है मैत्री का। पिता पुत्री की मैत्री हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की मैत्री हो सकती है, दोस्तों की तो मैत्री होती है। हर रिश्ता अगर मैत्री से, मित्रता से भर जाएगा तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्त ही एक ऐसे होते हैं जो आपका अच्छा बुरा सब जानते हुए भी आपको प्यार करते हैं। तो ये मैत्री है। छोटा सा मेरा माँ मेरी जो थी उनकी इस संस्था को आगे बढ़ाने का पहिया पहिया चल रहा है और उसमें आप लोग सब आए और आपने इस अवसर को बहुत अच्छा अवसर, बड़ा अवसर बना दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है क्योंकि एक औरत को सेलिब्रेट करती है और आज मैत्रेयी की जितनी सारी महिलाएं ये फिल्म देख रही थी, बोनी कपूर, जानवी कपूर, सबने ये फिल्म देखी, बहुत सही मायने में लगा कि वुमेन सेलिब्रेशन हो रहा है। इट्स रियली नाइस। लगता है कि अब मुझे मालूम नहीं था कि माटुंगा स्टेशन ज़्यादातर औरतें चलाती हैं और एक बहुत ख़ास बात है और उनके साथ अपनी फिल्म देखना और उसे सेलिब्रेट करना एक बहुत ही ख़ास मौका रहा। देखिए मुझे लगता है बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ, कितनी आपकी एजुकेशन है, आपके घर में कैसा माहौल है। अगर आप अपने पेरेंट्स को अब एक दूसरे की इज्जत करते देखते हैं, अपने बाप को अपनी माँ की इज्जत करते देखते हैं तो शायद वही सीखेंगे आप। तो एजुकेट करना, अवेयरनेस लाना, एक अलर्ट होना, हम शायद खुशकिस्मत लोग हैं जहाँ हमने अपने पेरेंट्स को एक दूसरे की इज्जत करते देखा है, शायद उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसे किरदार निभाते हैं जहाँ पर बिल्कुल एक इक्वालिटी नहीं है, जहाँ पर एक औरत बेची जाती है और उसका मुंह काला करके उसे नंगा घुमाया जाता है, तो आप शॉक होते हैं कि ये कहानी है कि वाकई किसी जगह पर ऐसा होता है। और हम खुद जब ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो आई वाज शॉक्ड टू रीड इट एंड आई एम ग्लैड कि हमारे पास फिल्मों का माध्यम है ऐसी कहानियों को आगे लाने का। एक विमेन एम्पावरमेंट, जो कि एक बहुत छोटे तबके से एक लड़की आई है, वो कैसे अपने फ्रीडम के लिए लड़ती है, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं इस रिश्ते, इस रोल से बिल्कुल अलग हूँ। ये जितना फ्रीडम मुझे शायद मेरे पेरेंट्स ने दिया है, यहाँ पर फ्रीडम नहीं है। लेकिन कैसे वो लड़की, एक बहुत प्यारा रिश्ता है माँ बेटी का, उससे मैं बहुत मुखातिब हूँ और मुझे उससे बहुत रिलेट करती हूँ। लेकिन आई थिंक कैसे इस रोल में जब मैं घुसी हूँ तो बहुत वक्त लगा इसमें से बाहर निकलने के लिए। मुझे याद है जो हमने क्लाइमैक्स सीन किया था उसमें मेरे हाथ पार सब कट गए थे, बाल भी काटे थे, मुंह भी काला किया था। वेरी डिस्टर्बिंग टू पोर्ट्रे अ रोल लाइक दिस, जहाँ पर एक औरत की इतनी बेइज्जती, इतना ह्यूमिलिएट किया जाए। सो जहाँ हम इतनी बातें आज वुमन इक्वालिटी की करते हैं, स्ट्रेंथ की करते हैं, वहाँ एक तबका है कहीं जो औरत को ऐसे ट्रीट करता है। बिल्कुल, बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट जानवी ने और बोनी जी दोनों ने दिया। फेल्ट रियली नाइस टू गेट ऑल द लव। थैंक यू।
मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि अब औरतों की ज़बान आ गई और मर्दों को कान आ गए ये बहुत, और इस वजह से क्या हो रहा है समाज में कम से कम हिम्मत तो आई है बोलने की और उनको सुना जा रहा है। ये फिल्म भी उसी तरह की है कि जहाँ पर एक औरत ने एक कदम उठाया था और ये एक सच्ची घटना पे आधारित है, और मैं, मेरे जितने भी मेहमान हैं, भारती जी हैं, रूमी जी हैं, बोनी जी हैं, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और इस अवसर को, इस मौके को उन्होंने विशेष बना दिया। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सीमा जी का शुक्रिया अदा करूंगी और अभिनंदन करना चाहूंगी कि इतनी अच्छी फिल्म उन्होंने बताई कि आँखों में आंसू आए। मतलब जब मैं देख रहे थे तो वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में फिल्म है ऐसा उन्होंने जब मुझे बोला तो तुरंत मैंने उनको कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि हम लोग खुद उसमें काम करते हैं और राजस्थान जहाँ से ये फिल्म बनी है वहाँ पर तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं वीमेन के बारे में। तो ये सब देखते हुए आज भी मतलब दुख होता है कि 21वीं सदी में भी आज महिलाएं जो सह रही है, जो भी परंपराएं चल रही है उस तरह, ये सब जो आवाज़ है ये ऐसी फिल्म के द्वारा अगर आता है तो ऐसा होता है कि उसमें हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके बारे में एक अवेयरनेस आ जाता है और ऐसी फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं पूरे टीम का यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ और ख़ास करके सीमा जी का करती हूँ। नहीं, अब मेल डोमिनेटेड कंट्री नहीं रही और ना रहेगी आगे, क्योंकि इस फिल्म को बनाने वाली भी महिला हैं और अभी जो यहाँ खड़ी थी MLA वो भी महिला हैं। तो महिलाओं का अपना हक जो है, और इसमें किसी का एहसान नहीं, महिलाओं ने हक अपने टैलेंट से, अपनी ताकत से ये हासिल किया है। और जहाँ भी देश में अभी ऐसी परंपराएँ बाकी हैं वो परंपराएं भी ख़त्म हो जाएंगी ऐसी, जब सीमा जी जैसी फिल्म मेकर और ऐसी मैत्री जैसी संस्था जब औरतों का सम्मान करेगी, उसको आगे बढ़ाने की बात करेगी, तो ये थोड़ा बहुत जो ये भी ख़त्म हो जाएगा।